आज के एक नया वीडियो लेकर गया। एक गाड़ी का हो गया पंचर, ठीक है ना, पंचर बना लेते हैं। हवा भी हम लोग को डालना पड़ता है, हवा से कोई स्प्लेंडर आ गया काम में, कुछ इसका काम हो गया। ये स्प्लेंडर का भी हम लोग का पास आ गया, स्प्लेंडर हाफ इंजन का काम होगा, ठीक है ना। फिर वो लोग खुलते अगर क्रैंक में प्रॉब्लम होगा तो फुल इंजन का काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। कैसे क्या होता है, कितना खर्चा, हर चीज़ बताएंगे। पहले पानी मार लेते इसको, ठीक है ना, जितना काम दे पहले धो धा के लेते, 60% पहले सफाई कर लेते, उसके बाद काम शुरू करेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए, वॉशिंग का काम कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है ना। तो अभी इसको अंदर लेंगे, हम लोग काम करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, का जरूर शेयर कीजिएगा। का कितना खर्चा होगा, हर चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। स्प्लेंडर, ठीक है ना, इसमें गंदा बहुत था, इसलिए हम लोग पहले वॉश किए इसको, जो भी वॉश हुआ फिर इसका काम करेंगे, गाड़ी का कर करेंगे, तभी करेंगे। फिर ऐसे एक बार देखते स्टार होता कि नहीं, देखे दोस्तों स्टार नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे पलक लगाते हफ्ता 10 दिन में पलक बिल्कुल खराब हो जाता है, मतलब डायरेक्ट मोबाइल आता है। तो फटक से हम लोग क्या करते हैं, हेड बोलो को खुलते, बोलोक निकालने के बाद देखते केरंग का कार खराब है, तो केरंग नया बन जाएगा, मतलब कनेक्टिंग नया डाल देंगे, इंजन पूरा खुलना पड़ेगा। अगर कनेक्टिंग सही है, सिर्फ पिस्टन टाइमिंग से बाहर वगैरह वगैरह क्लास वगैरह जो भी है वो सब कर देंगे। इधर लीकेज का प्रॉब्लम है, जितना वॉल्सल है सब डाल देंगे, मतलब गाड़ी चांस होना चाहिए। मेन स्टैंड बिल्कुल खराब है, मेन स्टैंड नया डालेंगे, 4 इंडिकेटर जलाएंगे, इंडिकेटर नया लग जाएगा, 4 इंडिकेटर लग जाएगा, जलाना पड़ेगा। देखिए अगर इंडिकेटर जलता तो सही है, नहीं तो स्विच हैंडल बार सुर नया लग जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साइलेंसर ओपन करता है, रेगुलर को निकाल लेते और खुलने के बाद देखते पिस्टन निकालने का बाद जैसे बोलक निकालेंगे दोस्त, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा जो खराब है। अगर पिस्टन निकालने के बाद तेरा जैसे टाल रहेगा, ढक रहेगा, तो फटक सब लोग इंजन ओपन कर देंगे, मतलब फुल इंजन खुलना पड़ेगा। अगर केरंग से है तो फुल इंजन खुलना नहीं पड़ेगा, रेगुलर से काम बन जाएगा। इसका ढक्कन लगाना बहुत सारा पार्ट्स लगेगा, सोकर वॉल्सेल बेरिंग ब्रेक सो। मुझे आइडिया दे कितना, मैं आइडिया दे 7,000 रुपये का आसपास खर्चा होगा, 7,000 रुपये तो होना ही खर्चा, बेरिंग ब्रेक सो इंडिकेटर, ये मडगट भी खराब है, फिर दोस्तों पलक को लगना है, ऑयल का जितना सोकर ऑयल ये सब देखते चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई चैनल में बाइक का रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है और वन भी जो भी बाकी है अभी हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से खुल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हफ्ता दिन हुआ लगाने का, चैंपियन का पलक लगा, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो फटाफट से हम लोग टाइम चेन का देखिए दोनों बोल्ट को निकाल दे, अभी स्पोकेट को हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। इसको निकाल के हेड निकालते, हेड निकाल के बनने के बाद ब्लॉक भी निकालता है, देखते इसका केरंग सही है क्या खराब। अगर केरंग सही है दोस्तों तो हाफ इंजन में काम बन जाएगा, अगर केरंग खराब है, ढाकूक है, तो साउंड करेगा टक टक, तो हम लोग को इंजन फुल खुलना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग हेड निकालते अभी। तो दोस्तों हेड को धीरे धीरे निकालते, एक स्टेट भी निकल गया, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा देखे, ये हो गया पिस्टन का हालत, खराब हो गया देखे, ठीक। तो फटाफट से हम लोग इधर हेड देखो, एक स्टेट नहीं निकला, हेड है इधर दोस्तों, इधर हेड, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग सिलेंडर को ही निकाल लेते, चलो निकालो। तो दोस्तों ये हो गया सिलेंडर है, रुको यहाँ का ये निकालना पड़ेगा, रोलर को ब्लॉक का हम लूज कर दे, फटाफट से हम खोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो दोस्तों ए निकाल ले, देखे ए निकाल ले, रोलर भी निकाल गया, ये रोलर में था, अटक गया था, निकालो। तो दोस्तों गाड़ी तो स्प्लेंडर, मगर पिस्टन एसएस का कोई दिक्कत नहीं, बड़ा पिस्टन है, चलाने में मजा आएगा। तो फटाफट हम लोग पिस्टन को निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें लॉक को खुलो, लॉक खुल के पिस्टन को ओपन कर लेते, फिर देखते इसका केरंग सही है क्या खराब। तो दोस्तों हम लोग निकाल दे बोलो, मतलब सिलेंडर, ठीक है ना। तो खुलने के बाद थोड़ा पिस्टन में थोड़ा सा पेचकस मारे, देखते हैं पे थोड़ा दिक्कत है, 100 नंबर का लगा है, तो ये बोलो हम लोग पुराना लगा देंगे, ठीक है ना, नया नहीं लगेंगे। करीब 2,000 रुपये अपन पुराना लगा लेंगे, या 25 का या 50 का लगा लेंगे, पुराना 400-500 रुपये लगेगा, जो भी लेगा तो हम लोग पुराना लगा देंगे, ठीक है ना।
कहीं पेट्रोल में पहले जैसा टेम्पर नहीं घटा दिया, ऐसे भी उसमें भारत में प्रॉब्लम है, तो ये निकल सही है, थोड़ा रुक के निकलना पड़ेगा सर। चलो भाई कोई बात नहीं, तो दोस्तों ये हो गया वाल्व, ठीक है ना, ये वाल्व में थोड़ा सा बाबरी टाइप का हो गया, तो ये लोकल वाल्व है इसलिए ऐसा हो गया। जेन्युइन वाल्व में बहुत ही कम होता है, जैसा ओरिजिनल वाल्व होता है ना दोस्तों, तो बहुत ही कम, 90% नहीं होता है, 10% चांस है। तो दोस्तों तो हम लोग ले जाएंगे इसको लेद में, ठीक है ना, अभी गाइड इसको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हमको पहले लग रहा है इसको हम ले जाएंगे किशनगंज लेद में, दोनों गाइड भी बदल देंगे, कई गाइड बदल देंगे इसका, ठीक है ना, इसमें पहले आता है, नहीं तो गारंटिंग का काम हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, यही बात। अरे बोलो हम लोग पुराना डाल देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी गाड़ी आज फिटिंग नहीं हो पाएगा, कई रात काफी हो जाएगा, तो दोस्तों चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फटाफट ये लेके चल देते हैं किसान लेके। तो दोस्तों जैसे हम लोग फिटिंग करेंगे टाइम मिलेगा तो अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों